हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। और आज हम बनाने वाले काजू कतली, माउथ वाटरिंग और सबकी फेवरेट और ठंडी में बनने वाली चीज। आज बनाने वाले काजू की कतली, उसमें आपको काजू लेने टूटे हुए 12 मिनट उसको फ्रिज में जमा देना है, फिर उसको पीसना है। पीसने का भी अलग है, उसको बंद करके वापिस पीसना। ये देखो, या तो इसको छान देना या तो ऐसे भी लोगे तो भी चल जाएगा। छानोगे वो सबसे ज्यादा बेटर रहेगा आपके। और ये बचे हुए क्रम्स को वापिस मिक्सर में एक बार ग्राइंड कर देना, ताकि इसमें जितना और पाउडर फॉर्म है वो सारे निकल जाए। वो भी उसी तरीके से करना जैसे पहले किया था। अब हम बनाएंगे चाशनी। चाशनी के लिए शक्कर चाहिए, शक्कर पीसी हुई होगी तो बेटर रहेगा। 3/4 कप पानी और 3/4 कप शक्कर लेनी है। शक्कर पतली होगी जितनी, उतना जल्दी डिजोल्व होगी। अब हम इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे, ताकि चाशनी को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करनी है, पकानी नहीं है चाशनी को। हम उसमें डालेंगे 1 टीस्पून इलायची। इलायची से सफ़ेद कलर नहीं आएगा पर उसके टेस्ट आ जाएगा। काजू कतली में आपका इलायची का फ्लेवर आ जाएगा। इलायची से आपकी काजू कतली का कलर वाइट नहीं रहेगा। इलायची आप ऑप्शनल है, डालनी हो तो डाल सकते हैं। अब हम 1 टीस्पून दूध डालेंगे। प्रोपोर्शन ध्यान रखना, 2 कप काजू, 3/4 कप शुगर, 3/4 कप वाटर। अब हम डालेंगे काजू पाउडर चाशनी में। बरोबर चलाना है हाथ, और कम आंच पर चलाना है, ताकि लम्स सारे हट जाएं। जब तक सारे लम्स नहीं हटते तब तक चलाना है, और पूरी तरह से हमको काजू का बैटर तैयार करना है। धीमे धीमे हमारा बैटर ठीक होता जा रहा है। अब हमारा बैटर पूरी तरह से ठीक हो गया है। अब उसमें 1 टीस्पून घी डालना है, देसी घी, ताकि वो चिपके ना हाथ में।
अच्छी तरह से मिक्स कर ले घी और बैटर को। अब हमें काजू कतली के बैटर को चेक करना है कि वो बनी है कि नहीं, उसे थोड़ा सा पानी में डालकर चेक करना है। हमने गैस बंद कर दिया है, हमारा काजू का बैटर और काजू पूरा तरीके से बन गई है। चाहो तो इसे 2 घंटे तक रेस्ट रखना है इसमें ही गैस पर ही, ताकि वो ठंडा हो जाए, उसे बाद में हम निकाल लेंगे। हाथ में पकड़ सके इतना ठंडा रख करना है। हाथ में घी लगा के फिर करना और ये हमारा पूरी तरह से काजू कतली का डो रेडी है। अब हमारा डो पूरी तरह से तैयार है, अब हम इसको हमें अब इसको बेलना है। हाथ में और बेलन में सब जगह घी लगा देना। इसको लगभग इतने साइज में करना, चाहे तो आप ज्यादा पतली भी कर सकते हो। चाहो तो इसमें केसर भी डाल सकते हो। सिल्वर पेपर भी चिपका सकते हैं। और ये हाथ पे जरा भी मत लगने देना। हमने सिल्वर पेपर लगा दिया, अब इसको काटने का ध्यान रखना। टेढ़ा काटना। अब ये पूरी तरह से कट गई है। चाहो तो आप इसको 2 घंटे तक बाहर रखते हो, अर्जेंट हो तो ही आप फ्रिज में रखना, बाहर रखिए वो ज्यादा बेटर है, ठंडी होने दो।